i welcome you all grade 4 students in the explanation video of chapter number 5 the way the world looks so in the previous video we have covered up to page number 57 in this video we will start from page number 58 ismail's home on the phone ismail told shrijata the route to his house from her house the route map is shown here तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस्माइल ने फोन पे श्रीजता को क्या बताया अपने घर पे आने का रास्ता बताया और जो रूट मैप है वो आपको नीचे दिया गया है अब इस्माइल ने क्या बोला श्रीजता को वो हम देखते हैं फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ अपने घर से पहले मिल्क बूथ तक जाओ जहाँ पे डेयरी होता है जहाँ पे मिल्क मिलता है वहाँ पर फिर क्या करना है देन टेक अ लेफ्ट टर्न तो आप इमेजिन करो कि आप जा रहे हो और आपने लेफ्ट टर्न लिया ठीक है फिर क्या आ रहा है फर्स्ट क्रॉसिंग नहीं फ्रॉम द क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न तो आप जो है क्रॉसिंग तक जाओ और राइट right टर्न लो गो ओवर द ब्रिज ब्रिज के ऊपर से जाओ गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न स्ट्रेट जाओ और राइट right टर्न लो अबाउट आफ्टर अबाउट हंड्रेड मीटर्स यू विल सी अ बिग पार्क और हंड्रेड मीटर्स चलोगे तो एक बड़ा सा पार्क दिखेगा When you cross the park, you will come to a side lane. My house is the first house in that lane. तो so, उसने बोला कि पार्क क्रॉस करोगे तो एक गली दिखेगी और गली में जो पहला घर है वो क्या है मेरा घर है तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है डिड स्मेल गो रॉन्ग somewhere? कैन यू करेक्ट हिम जो इस्माइल है वो कहीं गलत हुआ है आप करेक्ट करो तो देखो जब ये वो ब्रिज क्रॉस कर रही करने के लिए बोलता है फिर वो क्या बोलता है गो स्ट्रेट एंड देन टेक द दे फर्स्ट राइट टर्न अगर वो ब्रिज क्रॉस करके फर्स्ट राइट टर्न ले लेती है तो गलत हो जाएगा उसे क्या लेना है फर्स्ट लेफ्ट टर्न है ना आप ब्रिज के वहाँ से जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले लेफ्ट लेना पड़ेगा तो वही यहाँ पे उसने गलती की शो वेयर श्रीजता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर तो अगर श्रीजता जो है वो इस्माइल ने बोला वो रूट अगर फॉलो करती है तो वो कहाँ पहुँचेगी डायरेक्शन अपोजिट टू द इस्माइल्स हाउस तो इस्माइल तो का जो घर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कहीं चली जाएगी राइट देन इज राइट द डायरेक्शंस फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू श्रीजताज हाउस तो आपको क्या लिखना है डायरेक्शन खुद लिखना है क्यों पूरा उल्टा इस्माइल के हाउस से और श्रीजाता के हाउस तक तो हम ट्राई करते हैं इस्माइल के हाउस से निकलना है सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इस्माइल्स हाउस रीच द पार देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न क्रॉस द ब्रिज एंड देन टेक द लेफ्ट लेफ्ट टर्न एंड गो स्ट्रेट एंड इन द सेकेंड क्रॉसिंग टेक द राइट टर्न यू विल सी द मिल्क बुथ इन दिस दैट लेन यू विल रीच द श्रीजता हाउस तो वो लेन में श्रीजता का हाउस आ जाएगा तो मैंने क्या कहा इसमाइल के हाउस से बाहर निकलना है पार्क तक पहुंचना है फिर सीधा जाना है राइट टर्न लेना है ब्रिज क्रॉस करना है फिर लेफ्ट टर्न लेना है और जो सेकंड क्रॉसिंग आ रहा है फर्स्ट नहीं सेकंड क्रॉसिंग आ रहा है वहाँ पर जाकर क्या करना है वापस से राइट टर्न लेना है वहाँ पर एक मिल्क बूथ दिखेगा और सीधा सीधा जाना है तो आपको श्रीजता का हाउस मिल जाएगा सो वी हैव फाउंड द रूट फ्रॉम स्माइल्स हाउस टू श्रीजताज हाउस देन इज गिबली एंड द बिग बॉस तो जो गिबली है और उसका बिग बॉक्स है उसके बारे में एक स्टोरी है डू यू रिमेंबर गिबली द एंड इन द मैथ मैजिक बुक थ्री तो मैथ मैजिक जो ग्रेड थ्री का बुक है उसमें एक एंड है उसका नाम है गिबली वेल वन डे गिबली सॉ अ बिग बॉक्स ऑन हर वे तो एक दिन क्या हुआ गिबली ने एक बड़ा सा बॉक्स देखा वो जब चल के जा रही थी तब इट लुक लाइक दिस तो जो फोर वाला जो इमेज है ना वो दिख रहा था गिबली मोड अक्रॉस एंड टर्नड लेफ्ट नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बॉक्स तो जब भी जो फोर वाला बॉक्स है वहां से उसने क्या किया लेफ्ट टर्न लिया ना तो उसे क्या दिखा वो फाइव वाला नंबर दिखा वो वाला फेस दिखा गिबली वॉज कंफ्यूज वॉज वॉज वॉट वॉज दिस बॉक्स शी क्लाइम्ड ऑन अ कप एंड ट्राइड टू सी फ्रॉम दैट तो एक उसने क्या सोचा कि का ये जो पॉक्स है वो क्या है तो वो देखने के लिए उसने क्या किया एक कप के ऊपर चढ़ गई और वहां से उसने क्या देखा कि जो द पॉक्स लुक लाइक दिस तो जो बॉक्स है वो कैसा दिख रहा था जो थर्ड इमेज दिया हुआ है आपको वैसा जिसके टॉप में फाइव है आपके सामने फोर है और आपके राइट में जो है वो फाइव है कैन यू गैस वॉट दैट बॉक्स लाइक थिंग वॉस तो ये जो बॉक्स लाइक थिंग है वो क्या था वो है डाइस है ना हमारी डाइस होती है जिससे आप स्नेक एंड लेडर लूडो ऐसे सब खेलते हो वो थी द नंबर ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू सेवन अब क्या होता है कि जो अपोजिट होता है अपोजिट मीन्स फोर के अपोजिट में फोर के जो पीछे जो होगा वो दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए सेवन आना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे क्या बोला है विच नंबर वॉज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ फाइव तो फाइव के ऑपोजिट साइड में कौन सा नंबर होगा जिसे प्लस करके क्या आना चाहिए सेवन तो फाइव के साथ हम क्या प्लस करेंगे तो हमें सेवन मिलता है यस टू ओके सो ऑपोजिट साइड में क्या कौन सा नंबर आएगा टू आएगा फिर है इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम और नीचे कौन सा नंबर होगा देखो ऊपर तो वन है तो वन के अपोजिट साइड में ऐसा नंबर हमें लाना है जिसमें हम कुछ ऐड करें और हमें क्या मिले वो सेवन तो वन में हम क्या करेंगे सिक्स प्लस करेंगे तब हमें जाके क्या मिलेगा सेवन सो बॉटम में कौन सा नंबर है बॉटम मीन्स नीचे नीचे कौन सा नंबर आया हमें सिक्स विच नंबर विल गिबली सी इफ़ शी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम फाइव अगर फाइव के लेफ्ट में एक टर्न करती है तो उसे कौन सा नंबर दिखेगा तो जो फाइव के लेफ्ट में अगर वो टर्न करेगी तो वो कौन सा साइड होगा फोर का साइड होगा तो के साथ हम क्या प्लस करेंगे तो हमें सेवन मिलेगा तो फोर के साथ हम क्या प्लस करेंगे थ्री प्लस करेंगे तब हमें सेवन मिलेगा तो वो लेफ्ट टर्न करेगी तो उससे कौन सा नंबर दिखेगा थ्री फिर वॉट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ यू ओपन इट अप मार्क द करेक्ट पिक्चर तो जो आप इसे बॉक्स को खोल दोगे तो आपको वो इमेज कैसा दिखेगा तो हमेशा याद रखना जो बीच वाला इमेज है तो बीच वाला जो टॉप पे जो नंबर है वो हमेशा बीच में आएगा तो देखो जो वन है वो सबके बीच में है ओके देन वी आर टू फाइंड के अब वन के आगे जो है वो क्या है फोर और वन के पीछे क्या है थ्री तो कौन सा इमेज मैच कर रहा है ए और बी है ना वन के आगे फोर भी है वन के पीछे थ्री भी है अब जो वन के जो है राइट right साइड में क्या है नंबर है फाइव और हमने फाइव के ऑपोजिट साइड में क्या कैलकुलेट किया था क्या आना चाहिए तो प्लस करके सेवन आएगा टू ओके सो फाइव को हम किससे प्लस करें करेंगे तो हमें सेवन मिलेगा टू से तो फाइव के ऑपोजिट साइड में क्या है टू तो वन के इस साइड क्या आया टू देन इस बॉटम में जो होता है वो हम सबसे नीचे लिखेंगे तो जो बॉटम में है वन के ऑपोजिट था वन के ऑपोजिट क्या था सिक्स सो बॉटम में क्या आया सिक्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ट्राई आउट ड्रॉ शेप लाइक देख ऑन अ थिक पेपर कट इट आउट एंड कलर द डिफरेंट फेसेस इन डिफरेंट कलर्स ऐसे शेप में आप काट के आप बॉक्स बनाओ और फिर हर एक फेस को ना अलग कलर से कलर करो कैन यू यूज़ दिस बॉक्स टू प्ले अ गेम फिर उसके ऊपर नंबर्स लिख दो और फिर आप गेम खेलने के लिए वो बॉक्स को यूज कर सकते हो सो हियर वी हैव कम्पलीटेड अवर चैप्टर नंबर फाइव थैंक यू